दोस्तों मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा ये आपके यहां पे इंडक्शन कुकटॉप के पीसीबी के ऊपर में रहेगा। दोस्तों आप यहां पे देखेंगे कि मेरे पास दो कंपनी का पीसीबी है। ओके, यहां पे दो कंपनी कहने मतलब क्या है कि दो डिजाइन की पीसीबी है। यहाँ पर एक जो पीसीबी है ये वाली, ये आपकी है 1900 वाट की, और ये वाली जो पीसीबी है ये आपकी है 1600 वाट की। ये पीसीबी है ये बजाज 7 की पीसीबी है, और आपका हेवल्स में भी लगती है, और आपका उषा के 2102 मॉडल की है। ये वाली पीसीबी उषा के 3616 मॉडल की है। लेकिन दोस्तों ये पीसीबी आप 7 में भी काम कर जाएगा, हेवल्स के कुछ मॉडल में भी काम कर जाएगा, और आपका उषा का 2102 में भी काम करेगा, और आपका बजाज के लगभग 2 से 3 मॉडल में और काम करता है। जैसे बजाज का पर्ल जो 1900 वाट का होता है ये 1600 वाट में भी काम करेगा, और बजाज का जो नियो होता है उसमें भी काम करेगा। अब इसमें डिफरेंस क्या चीज़ का हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम डिफरेंस आपको बताएंगे। ये थोड़ी इसके साइज में ये थोड़ी सी बड़ी है, और इसमें दोस्तों कुछ कंपोनेंट इससे बड़ी लगी है, जैसे कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर इससे बड़ी है। यहाँ पे इंडक्टर कॉइल इसमें बड़ी लगी है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है दोनों का माइक्रो कंट्रोलर का आईसी का जो ऊपर का डिजिट है बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि सर क्या इसका माइक्रो कंट्रोलर आईसी को मैं इसमें लगा दूँ तो क्या वर्किंग करेगा? हाँ जी, बिल्कुल वर्किंग करेगा। लेकिन दोस्तों जो 1600 वाट का पीसीबी है ये दोस्तों आपको डिस्प्ले में 1900 वाट शो करेगा। फिर एक और क्वेश्चन आप पूछोगे, सर ये जो 1600 वाट की जो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, अगर मैं इस आईसी को निकाल के इसमें लगा दूँ तो क्या वर्किंग करेगा? हाँ जी, बिल्कुल वर्किंग करेगा, लेकिन जो 1900 वाट से ये 1600 वाट में काम करेगा। क्लियर? हम अब देखेंगे दोस्तों कि एक्चुअली क्या है कि इसके ऊपर जो डिजिट है सेम है। हमारे पास यहाँ पे लगभग बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल हैं, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल है। हम इसको कंफर्म करना है कि माइक्रो कंट्रोलर आईसी 1600 वाट का है कि 1900 वाट का है। इसको कंफर्म करने के लिए हम फिलहाल क्या किए दोस्तों, यहाँ पे अपना पीसीबी है, पीसीबी में यहाँ पे मैंने बेस को लगा लिया है। अब देखेंगे बेस है, उसके बाद यहाँ पे आईसी है। अभी हमारा जो पीसीबी यहाँ पे ओके है, यहाँ इंडक्शन कुकटॉप के माइक्रो कंट्रोलर आईसी को चेक करने के लिए आपको 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक 5 वोल्ट का एडाप्टर बनाया है वो मॉड्यूल लगा के। इसका कैसे बनाया है इसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देता हूँ, वहाँ पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें आप देखते हैं यहाँ पर ये वाला जो वायर है रेड कलर का ये 5 वोल्ट का है, और जो ब्लैक कलर का है ये ग्राउंड है, और जो यहाँ पर ब्राउन कलर का देख रहे हो ये 18 वोल्ट का है। हमको आईसी को चेक करने के लिए 5 वोल्ट निगेटिव और यहाँ पे दोस्तों निगेटिव और पॉजिटिव का हमको चाहिए। अब फिलहाल दोस्तों अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 5 वोल्ट निगेटिव को। दोस्तों आप कहीं भी देख सकते हैं, पीसीबी में निगेटिव कॉमन होती है, ये बात को आपको क्लियर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, निगेटिव दे दिया, ये आपका निगेटिव पूरी कॉमन हो गई। अब पॉजिटिव को देने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। नॉर्मली दोस्तों एक रेगुलेट 7805 यहाँ पे लगा रहता है, आप यहाँ पे गौर करेंगे तो एक रेगुलेट 7805 यहाँ पे लगा रहता है। बट दोस्तों अगर आपको मान लो नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे दोस्तों गौर करेंगे आप तो इसमें दोस्तों GND 5 वोल्ट डेटा क्लॉक और STB यहाँ पे 5V लिखा है प्लस का, यहाँ पर आपको 5 वोल्ट देना है। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर 5 वोल्ट दे देता हूँ। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट दे दिया। अब 5 वोल्ट देने के बाद दोस्तों अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अब दोस्तों मेरे पास एक यहाँ पे फिलिप्स का 4908 मॉडल का डिस्प्ले कंट्रोल पैनल है। हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लगा लूँगा, और दोस्तों यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखिए ये मेरा 5 वोल्ट है, मैं इसको ऑन करूँगा स्विच को, ये मेरा ऑन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा ऑन हो गया। ऑन होने के बाद दोस्तों अभी आपको क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पे फोकस करेंगे थोड़ा सा, ओके तो यहाँ से मैं ऑन करता हूँ तो 700 आता है, ठीक है, यहाँ पे 700 आएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं 1600 तक जाएगा, ओके यहाँ पे 1600 तक जाएगा। तो दोस्तों कंफर्म हो जाता है कि ये जो आईसी है ये 1600 वाट की है। ओके,
फिर से दोस्तों मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और फिर से दोस्तों दूसरी आईसी को यहाँ पे कंफर्म करते चलेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे फोकस करेंगे, फिर से मैंने एक माइक्रो कंट्रोल आईसी को चेक करना है। तो चेक करने के लिए नॉर्मली फिर से इसको बेस में यहाँ पे लगाओगे, ओके। बेस में लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से ऑन करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों बजर का आवाज़ नहीं आया, इसका मतलब आपका माइक्रो कंट्रोल आईसी यहाँ पे डेड है, ओके। यहाँ पे आपका माइक्रो कंट्रोल आईसी डेड है, ये आपको कंफर्म पता चल गया। फिर इस आईसी को आपको बाहर निकाल देना है, इसको साइड करना है। फिर से यहाँ से मैं दूसरा आईसी निकालता हूँ, और फिर इसको क्या करता हूँ, पहले यहाँ से पावर को ऑफ करेंगे, और फिर से इसको क्या करेंगे, इस बेस में लगाएंगे, और फिर से इसे पावर देंगे यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं डिस्प्ले में लाइट आ गया, और यहाँ पे भी दोस्तों ये जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है ये भी आपका कितना वाट का है, 1600 वाट का है, ओके। यहाँ पे आप कंफर्म कर पाएंगे, ये भी आपका 1600 वाट का है, ओके। फिर से दोस्तों यहाँ से मैं ऑफ़ कर देते हैं, ऑफ़ करने के बाद दोस्तों अभी फिर से इसको भी निकाल देते हैं, फिर फटाफट फटाफट चेक करते जाएंगे, फिर एक दूसरा आईसी लगाएंगे, फिर यहाँ पे सप्लाई दे देंगे, फिर यहाँ से ऑन करेंगे, इसमें से ये भी 1600 वाट का है, फिर ऑफ़ किए, फिर इस आईसी को अच्छे से प्रॉपर लेग मत टूटे इस आईसी को निकाल दिए, फिर दूसरे आईसी लगाएंगे यहाँ पे, इसको कंटिन्यू आप आईसी को कंफर्म चेक कर पाओगे यहाँ पे कोई आईसी तो इसमें 1900 वाट की है या नहीं है, ओके। फिलहाल दोस्तों इसमें कोई सी भी आईसी मेरे को नहीं लग रही है कि 1900 वाट की है, सब 1600 वाट की है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि मान लो आपके पास कोई सा भी इंडक्शन का पीसीबी हो, आप इसके माध्यम से आईसी आपका डेट तो नहीं है इसको आप कंफर्म कर पाओगे। अब दोस्तों इतना प्रोसेस होने के बाद में डिस्प्ले में लाइट आ गया, एक बजर की आवाज़ भी आ गई, तो 99% आपका जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है ये ओके है। अब दोस्तों मैं ये आपको एक डाउट क्लियर यहाँ पे कर दिया कि अगर आपके पास मान लो ये 1900 वाट की पीसीबी है, ये आईसी अगर डेड कर गई है, ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी डेड कर गई है, आपके पास ये 1600 वाट की है, तो आपका प्रॉपर यहाँ पे काम करेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहोगे तो इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। तो ये दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर दोस्तों मान लो आपके पास आईसी की ज़रूरत होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन की मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से आईसी मंगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वीडियो देखने के लिए दोस्तों।